Hey guys, welcome and welcome back to the channel Aman Blog. So guys, welcome back and आज का जो ब्लॉग होगा इसमें मैं आप लोगों को लेंजिंग का जो KGF जो रेस्टोरेंट में मैं विजिट करी थी उनका बाकी का जो क्लिप से मैंने ऐड नहीं किया था, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि नेक्स्ट ब्लॉग पे मैं ऐड करूँगी. सो अभी का जो ब्लॉग होगा इसमें मैं ऐड कर रही हूँ. तो यहाँ पे बुबुन लेंजिंग ने अपना KGF के बारे में बताया था, उससे थोड़ा चिचेट हुआ था. इट विल बी अ काइंड ऑफ चिचेट ब्लॉग, सो आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा. तो चलिए करते हैं अभी वीडियो स्टार्ट. तो आज फाइनली बुबुन का रेस्टोरेंट खुल गया, 17 को बोला था. तो जैसा कि हम अभी पासीघाट में, तो हम सोचा कि विजिट करेगा एंड मैंने वो कुछ ट्राई भी किया, उनको बहुत अच्छा लगा और गुगुन अभी पूरा थका हारा. आज बहुत सारे कस्टमर आया, मैंने भी हेल्प किया गुगुन को और अभी गुगुन से सुनते हैं कैसा था उसका एक्सपीरियंस आज का. आपका गुगुन बहुत दिनों से अच्छा सर्विस हो गया. तो गुगुन कैसा चल रहा है आपका रेस्टोरेंट? अच्छा चल रहा, मतलब स्टार्टिंग में मतलब इतना अच्छा होगा सोचा ही नहीं था हमने कि इतना लोग आएगा. मुझे छोटा सा रेस्टोरेंट में हमेशा फुल होता है ना, देखने में कितना अच्छा लगता है, मतलब एक इमोशनल हो जाता हूँ. क्योंकि जब मैं रेस्टोरेंट को बना रहा था तब मैक्सिमम तो अपने हाथ से खुद से किया रहा, ब्लॉग में देखा होगा ना ये सब फोटो उठा के डाला है. मतलब इंटीरियर डेकोरेशन लोगों को बहुत पसंद है, लेकिन लोगों को ये पता नहीं कि ये डेकोरेशन मैंने खुद किया है. तो और वो भी ऐसा तो करना नहीं वाला था, लेकिन कहाँ से कैसे कैसे हो गए डिजाइन हो गया, अच्छा हो गया, लोगों को जगह पसंद भी आ रहा है और मेन बात खाना भी पसंद आ रहा है. और सूप में नमक को लेके थोड़ा कम कर नमक एक्चुअली, और थोड़ा बहुत लोग कह रहे हैं सूप पतला है. एक्चुअली चिकन हम लोग भर भर के डालते हैं, नॉट ओनली हड्डी, ज्यादातर लोग हड्डी डालते हैं. जब भी मैं खुद घर में बना तो हड्डी डालता हूँ, तो यहाँ नॉट ओनली हड्डी, मीट भी डालता है साथ में, ढेर सारे सब्जियां डालती है. उसके बाद पूरा बहुत सारा चीज होता है और उसमें थोड़ा नमक कम हो जाता है. तो मैं आप लोग को ये रिकमेंड करूंगा कि साइड में रखा हुआ है नमक, जिनको कम लगेगा वो डाल सकते हैं. और जो मोटा मोटा नहीं होता ना उसमें क्या है कि मेरा हम लोग कॉर्नफ्लावर नहीं डालते हैं, अजीनोमोटो नहीं डालते हैं. क्योंकि कॉर्नफ्लावर प्लस अजीनोमोटो तो बहुत हेल्दी वाला, अनहेल्दी वाला है ना, तो हम लोग प्योर रखने की कोशिश करते हैं. और मुझे तो पर्सनली अच्छा लगता है वैसा वाला सूप, लोगों का पता नहीं. और बाकी तो हर चीज में ताकत मिले, चाहे वो चाउमिन हो, मोमो हो, और मोमो में भी अजीनोमोटो नहीं डालते. शेफ को मैंने पूछा कि आप डालोगे कि नहीं डालोगे करके, वो बोलता है कि मैं ऐसा पाप काम नहीं कर सकता. तो वही है, सब कुछ अच्छा है यहाँ का. अभी आप कॉन्टिनेंटल में भी जा सकते हैं, कॉन्टिनेंटल भी ट्राई कीजिए. तो वही है एक्सपीरियंस पूछा था ना आपने ना मेरे, तो एक्सपीरियंस ऐसे है कि इतना सारा लोग आया तो अभी हम स्टाफ थोड़ा कम हो गया हमारा ना, तो अभी परसों मंडे को आ रहा है स्टाफ. मंडे के बाद से आपको मान लीजिए ट्यूजडे वेडनेसडे से एकदम अच्छा अच्छा खाना, मतलब अवेलेबल टाइम एकदम टाइम टेबल में मिलते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा. अंदर में भी कंफ्यूजन बहुत चल रहा है, खाना तो बन रहा है लेकिन वो खाना गलत टेबल में भी कभी कभी जा रहा है. लेकिन थोड़ा कुछ दिनों के बाद जब स्टाफ बढ़ जाएगा ऐसा नहीं होगा. और आज के लिए तो हम बिल्कुल प्रिपेयर नहीं था, आज है वीकेंड तो आज तो इतना सारा लोग आया ना, सो दिल खुश हो गया. और गूगल का हमको सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगा यहाँ पे, इनका नाम KGF. उसके बाद से जो प्राइस था बहुत रिजनेबल था. हम आज लेकिन ब्लॉग देख के आया था, स्क्रीनशॉट भी मारा था, तो प्राइसेस आप लोग देख सकते हैं बहुत अच्छा है. स्पेशली उसके लिए स्टूडेंट लोग के लिए सोचिए ना, कम रखा है, प्राइसेस बहुत अच्छा है. एंड ऑनेस्टली बोल रहे हैं ये जो फ्राइड राइस था, मैंने मोमो चाउमिन ये सब तो ट्राई नहीं किया, लेकिन जो फ्राइड राइस था उसके बाद से जो नींबू पानी था उसके बाद सॉरी लेमन जूस था, उसके बाद से ये कॉफी एंड ये पोर्क का ये चिली कुछ था वो मंगाया था, बहुत टेस्टी था. बता रहा नहीं है हमको कैसे बनाया है, हमको स्मोक वाला पोर्क जैसा लग रहा था जो सुखा के रखते हैं, बट वो नहीं है सारे कुछ और है, ट्राई कीजिएगा बहुत अच्छा है. शेफ से इन्होंने एक्चुअली हमारा ये जो रेस्टोरेंट क्लोज हो गया, तो ये हमारी बहन है तो कभी भी आ सकती है, आ जा सकती है. शेफ से भी मिली थी, शेफ को पूछा था, शेफ ने उनका कहा कि स्पेशल रेसिपी है ये बताएंगे. आगे बढ़ना है तो कंप्लेन कम करो, ईगो मत रखो, मेहनत ज्यादा करो. वही तीन चीज में याद रखो ना, कंप्लेन कम करो, ईगो कम रखो और मेहनत ज्यादा करो, आप किसी भी फील्ड में हो सक्सेसफुल हो गए जरूर. और एक बात तो गूगल से पूछने भूल ही गया, आपका आइडिया कैसे आया है ये रेस्टोरेंट को खोलने का? रेस्टोरेंट खोलने का आइडिया एक्चुअली और ये जो नाम रखा है आप रेस्टोरेंट का, क्या सोच के रखा है? मैं नाम से शुरू कर देता हूँ ना,
तो केजीएफ का आइडिया तो उससे मूवी से आया ऑब्वियसली। हां लग ही रहा था उनको। तो फिर केजीएफ क्योंकि केजीएफ होगा तो ऑब्वियसली थोड़ा कस्टमर लोग होता है अरे केजीएफ ये कैसा नाम है ऐसा करके थोड़ा तो चर्चा होगा ना इसके बारे में केजीएफ के बारे में। तो वही सोच के मैंने केजीएफ चूज किया और मूवी का नाम चूज किया। तो उसके पहले हमने शॉर्ट फिल्म चूज किया और शॉर्ट फिल्म हाँ चूज किया उसके बाद में हमने फुल फॉर्म चूज किया। तो केजीएफ तो डिसाइड कर लेता तो केजीएफ का फुल फॉर्म क्या हो सकता है करके तो हम क्या होता है ऐसे तो फूड निकल रहा था कैसे खाओ निकल तो जी में क्या डालेगा अगर केडीएफ होता तो खाओ डिलीशियस फूड होता तो फिर केजीएफ से तो मैच करना है तो गुड फूड रख दिया। और हमारा जो शेफ का बनाने का तरीका है उस सबसे नाम एकदम सूट करता है क्योंकि गुड मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि टेस्टी ना गुड मतलब ये भी होता है कि हेल्दी तो इनका टेस्टी भी है और हेल्दी भी है तो इसलिए आया। एंड ये रेस्टोरेंट का आइडिया तो इसलिए आया क्योंकि यूट्यूब कर रहा था यूट्यूब से थोड़ा पैसा कमा लिया था इतना पैसा कमा लिया था कि एक छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर सकूँ ना तो मुझे हमेशा से बिजनेस करना था और इस लाइन में मुझे इंटरेस्ट भी आपने मेरा लॉकडाउन के टाइम कुकिंग बॉक्स भी बहुत देखा होगा तो इस लाइन में मुझे इंटरेस्ट भी है। तब मैंने सोचा कि मुझे फूड का ही करना चाहिए बाकी मैं मुझसे नहीं होगा फिलहाल के लिए तो फूड का ही करना चाहिए करके तो आखिर के लिए शुरू किया है। और ऐसे इसको देख के नहीं लगता क्या हमें कि ये इतने इतना फेमस हो जाएगा कि मतलब अलग अलग फ्रेंचाइजी खुलेगा इसका ईटानगर में भी खुलेगा मेरे आदमी लोग हमसे फ्रेंचाइजी खरीदेगा ना अच्छा लगता है ना देखने में तो हम चाह रहे हैं कि ये और आगे जाएगा देखते हैं। खाना खा के तो और प्राइस से तो ऐसे लगता है ना हम फर्स्ट आपका जब आज सुबह ब्लॉग देखा था ना तो हम इसके स्क्रीनशॉट मार उसके ब्लॉग का कैसे कैसे प्राइस प्राइस सबसे उससे पता चलता है कि बहुत लेट जाते क्योंकि मैंने ब्लॉग 2 बजे डाला था तो ये सुबह बोल रहे हैं इसका मतलब नहीं आप जब ब्लॉग अपलोड किया ना 112 लाइक आ गया 4 व्यूज सिर्फ था तो कल आज को वो 2 बजे डाला था उसके लिए सुबह मतलब ये लेट जाते नहीं पता नहीं कब था लेकिन आज का ब्लॉग ना हां वो तो आप 2 बजे को सुबह बोल रहे हैं ना इसलिए बोल रहे हैं नहीं पता कब था लेकिन 112 व्यू लाइक था व्यू सिर्फ 4 था हम देख रहे हैं व्यू से नहीं का चला कितना आ गया पहले लोग लाइक मारते हैं ना बाद में दिखता है तो यही था गूगल का पीछे का कहानी रेस्टोरेंट खोलने का एंड नाम भी बहुत अच्छा है अभी नेक्स्ट टाइम हम जब आएगा तब गूगल का आई होप इसका ब्रांचेस थोड़ा मार्केट साइड में भी खोल जाए वो मार्केट साइड में खुलेगा तो एकदम लॉटरी लग जाएगा यहां स्टूडेंट लोगों को पकड़ना है मार्केट में सभी को पकड़ना है यहाँ पे लेकिन चलेगा भी ना क्योंकि जीटीसी है तो यहाँ पे चलेगा अगर कोई अच्छा कोई रेस्टोरेंट अच्छा वो देगा ना तो जरूर चलेगा आने वाला समय में ना अच्छा है तो अच्छा लगा थैंक यू सो मच आने के लिए कब तक रहेगा अभी है एक हफ्ता जैसा बीच में दोस्तों को लेके आए दोस्तों अभी यही नहीं सब लोग इधर उधर ही है स्पेशली ऐसे लड़का दोस्तों से लेके आना क्योंकि लड़का दोस्तों तो जितना भी खिला बोलने से तो खिलाना ही पड़ेगा इज्जत का बात है ना और प्रॉफिट किसका हो मेरा दो लड़का दोस्त लेके आओ उसके बाद बहुत सारा लड़की आओ ना ठीक से उन दोनों से ठीक से ऑर्डर करो उसका वो दोनों लड़का तो इज्जत का बात होगा ना अगर नहीं देने से वो दोनों वहाँ पेमेंट इसलिए वैसा चिंता करने की जरूरत नहीं हम लोग का वो भी बहुत कम है प्राइस भी बहुत कम है तो इसलिए फैमिली लोगों को सजेस्ट करो आप भी ना पापा लोग भी बोलो एक बार ना करेगा ना अच्छा नहीं, पापा लोग मेरा भाभी पता है आपका भी चलो लेट जिनका मैं खाना खाने जाएगा खाना ना